हेलो डियर फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं ड्रीम मिलिट्री का यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है तनवीर अहमद। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे जानेंगे अगर आपने स्लैब में फैन जंक्शन को इंस्टॉल नहीं किया है तो आप किस तरह से फैन सीलिंग फैन को स्लैब में लगाएंगे। इसके लिए आप ये देख रहे हैं मेरे हाथ में ये नट है, फास्टनर नट हुक है। आज मैं आपको बताऊँगा इसको कैसे प्रॉपर इंस्टॉल करते हैं। दोस्तों चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पे सामने सीलिंग फैन है और ये फैन हुक है, फास्टनर नट है। अब मैं आपको बताऊँगा इसको कैसे इंस्टॉल करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, एक ड्रिल बिट लेनी होगी जो इसी के साइज़ की होगी। जितना एमएम का होगा उतना ही उतनी एमएम आपको एक ड्रिल बिट लेनी होगी, जो आप वीडियो में भी देख रहे हैं। दोस्तों ये आप ड्रिल देख रहे हैं, ड्रिल बिट हमने इसमें ड्रिल में इंस्टॉल कर ली है, फिट कर ली है। अब आपको ये देखना है कि ये बिट जो है, ये इसका डायमीटर जो है वो इसी नट के बराबर है या इससे ज़्यादा। अगर ज़्यादा होगा तो ये नट लूज़ हो जाएगा। ना कम होना चाहिए ना ज़्यादा होना चाहिए, डायमीटर सेम होना चाहिए। और उसके बाद आपको ये मेजर करना होगा, आपको कितना लेवल तक अंदर डीप होल करना है। आप देख सकते हैं हमने इतना टाइट इसमें होल करना है। एक तो इस नट की डायमीटर हो गया और थोड़ा सा गैप और रखनी है ताकि ये जो नट जब इसको हम टाइट करें ये ऊपर की तरफ इसकी जगह वो खुली रह जाए और हमारा नट अच्छी तरह से फिट हो जाए। अब हम दोस्तों इसको स्लैब में होल करते हैं। फ्रेंड्स, हमने स्लैब में होल कर लिया है। अब हम इस नट को इस होल में डाल देते हैं। आपको थोड़ा हैमर की यहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी थोड़ा बहुत। दोस्तों अब हम इसको टाइट करेंगे, मैं आपको भी दिखाता हूँ इसको टाइट कैसे करते हैं। दोस्तों आपको इस हुक को घुमाना है क्लॉक वाइज, यानी आपको इसको इस डायरेक्शन में घुमाना है। और ये जो आप देख रहे हैं जो इसके नीचे ये नट है, ये भी आपको साथ में इसके साथ आपको घुमाना है। ये नीचे नहीं रहना चाहिए। फ्रेंड्स, जब तक आपको ना लगे ये टाइट नहीं हुआ है तब तक आपको इसे टाइट करते रहना है और फुली टाइट करना है। फ्रेंड्स, अब आप इसमें सीलिंग फैन लगा सकते हैं।